हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मतलब ये अकाउंट का एकदम बेसिक होता है। मतलब इसको, ये बच्चों को नहीं आएगा तो बच्चों का अकाउंट नहीं आता, ऐसा बोलते हैं। किस्सा है तो आ जाओ। तो अकाउंट्स ना तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक पर्सनल अकाउंट होता है, ओके, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पहले एक अकाउंट का लाइन पढ़ लेते हैं। तो अकाउंट क्या है, एक समराइज रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, समरी होता है, अफेक्टिंग वन पर्सन और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले काम करते हैं, पहले दिखते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, पर्सनल का मतलब एक तरफ से याद कर लो, नाम आएगा। तो द अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्सन, ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को या तो ग्रुप को, किसी इंसान को। ये इंसान कोई इंसान भी हो सकता है या तो कोई स्कूल कॉलेज भी हो सकता है। तो एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन मतलब तो राजेश हो गया, सुमित हो गया, मैं हो गया, आप हो गया, है ना। आपका नाम कमेंट में डाल दो, मेरा नाम अब्दुल सर। तो ये सब नेचुरल पर्सन है, सब क्या है, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल मतलब जो असली नहीं है, जो नकली है, बट उसको भी नाम ही बोलते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये इंसान थोड़ी है, पर नाम है ना, इसलिए उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। कंपनी का नाम हो गया ना, अंबानी कंपनी, रिलायंस कंपनी, रिक्रिएशन क्लब, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन। तो जहाँ नाम आ जाता है ना, उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सन कौन है, किसी का भी इंसान का नाम आएगा। आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं बैंक का नाम आएगा, ऑफिस का नाम आएगा, कॉर्पोरेट का नाम आएगा, क्लब का नाम आएगा। अभी एक इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले बेसिक से जाएंगे। फिर होता है इम्पर्सनल, जो पर्सन नहीं होता है। तो इसमें दो होता है, एक रियल होता है, नॉमिनल होता है। तो पहले रियल पढ़ेंगे। रियल अकाउंट में याद रखने का प्रॉपर्टी आता है, क्या आता है, प्रॉपर्टी। रियल अकाउंट में क्या आएगा, प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोले तो बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब आता है, ठीक है। तो इसमें दो होता है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट जिसको आप देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको आप देख सकते नहीं है। तो किसको देख सकते हैं, मशीनरी, मोटर, स्टॉक, फर्नीचर, है ना, ये सब होता है तुम्हारा टेंजिबल रियल एसेट। क्या होता है ये, और इनटेंजिबल मतलब जो एसेट है पर उसको देख नहीं सकते, उसको हम लोग क्या कर सकते, फील कर सकते। जैसे गुडविल, बिजनेस का नाम, पैटर्न बोलो तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन, ट्रेडमार्क होता है ना, जैसे कि अब ये नाइकी का है ना, एडिडस का है, ये मर्सिडीज का है, ये ट्रेडमार्क। कॉपीराइट होता है ना, कि कोई चीज़ किसी को कॉपी नहीं कर सकता, इसको इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। ये सब एसेट आता है, एसेट बोलो तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोलो तो रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या, टेंजिबल और इंटेंजिबल। कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, लैपटॉप, फर्नीचर, टेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जो एसेट है पर उसको देख नहीं सकते पर फील कर सकते, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट। ये चार नाम याद कर लो, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, ये सब इंटेंजिबल होता है। फिर एक होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ है बच्चे लोग, दो, एक तो खर्चा, एक तो इनकम। एक होता है खर्चा और एक क्या होता है, इनकम। तो जो भी खर्चा होता है और जो भी इनकम होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन, किसका अकाउंट, एक्सपेंस का, लॉस का, इनकम का, गेन का, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। वेजेस मतलब पगार दिया, स्टेशनरी दिया, सैलरी दिया, डेप्रिसिएशन निकाला, वैल्यू कम हुआ, रिसीव मतलब पैसा आया, डिविडेंड आया, है ना, प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट आया, वो सब तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट में दो होता है, एक एक्सपेंस होता है, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंस होता है और एक इनकम। एक्सपेंस में तो सब खर्चा आएगा, स्टेशनरी, परचेज, एडवर्टीजमेंट, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, है ना। और इनकम में मतलब जो पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा तीन अकाउंट, है ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल बोले तो नाम रहेगा, रियल बोले तो प्रॉपर्टी रहेगा, और नॉमिनल बोले तो खर्चा रहेगा, क्या रहेगा, और इनकम रहेगा। अब इसमें एक और था ना पर्सनल में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब जो आउटस्टैंडिंग रहेगा, मतलब किसी से भाड़ा लेना है या भाड़ा देना है, मतलब आउटस्टैंडिंग रहेगा, एडवांस रहेगा ना। आउटस्टैंडिंग मतलब देना है, आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग है, एडवांस मतलब दे दिया, मतलब हो गया पहले ही। आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड। तो आउटस्टैंडिंग और एडवांस रहेगा ना, तो उसको पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्या हो गया तुम्हारा। तो ये क्लासिफिकेशन अकाउंट से फिर तुमको गोल्डन रूल्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11th को भी है, फर्स्ट ईयर बीकॉम को भी है, बीएमएस को भी है, ये बेसिक से रहता है। जो साइंस स्टूडेंट है, जिसको नहीं समझ में आया, तो बेसिक से तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। और क्या है, इसके बाद गोल्डन रूल्स है, करा हो तुम। अगर एक चीज़ और बता दूँ तो तुमको, देखो ऐसे एग्जाम में आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा, आपको बोला रहेगा क्लासीफाई करो, पहचान कौन क्या है।
तो इधर लिखने का पर्सनल रियल नॉमिनल। स्टेशनरी तो खर्चा होता है, तो खर्चा नॉमिनल में आएगा। मशीनरी एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी रियल में आएगा। लॉस बोले तो लॉस हो गया, तो लॉस किधर आएगा, नॉमिनल में आएगा। बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग बोलेगा तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोले तो रियल अकाउंट। कॉपीराइट तो एसेट होता है, एसेट बोले तो रियल अकाउंट। लैपटॉप भी एसेट होता है, एसेट बोले तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोले तो रियल अकाउंट। महेश तो नाम आ गया, नाम बोले तो पर्सनल अकाउंट। कैपिटल हमेशा पर्सनल में आएगा, याद रखना। और पुणे म्यूनिसिपल नाम आ गया तो नाम में आएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम आ गया तो नाम में आएगा। रिपेयर बोले तो खर्चा होता है, खर्चा बोले तो नॉमिनल अकाउंट। वेजेस बोले तो खर्चा होता है, खर्चा बोले तो नॉमिनल। तो वैसे ये वाला भी सम है ना, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन, ये आंसर। तो है ना, ये क्वेश्चन आंसर है, और ये क्वेश्चन ले लो, फिर इसका आंसर प्रैक्टिस करके ग्रुप समझ लो क्या है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।